लो भाई जी, इस प्लेस पे लोग अक्सर आते हैं लड़कियां लेके, और हम लोग सिंगल लाइफ तो अकेले आए हैं। अभी हो रहा है शाम का 3:56 और अभी हम लंच कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं शंकर, अनुज एंड गिरी, लंच करके मिलते हैं। ये बाइक पे ना एक चीज लफड़ा है, कपड़ा रखने का जगह नहीं है, तो मैं घर से निकलते वक्त ना इसलिए इसको पोछा ही नहीं, मैं डायरेक्ट निकल आया था। तो अभी छोटा सा राइड पे जा रहे हैं, चलते हैं फिर। ये जो इंडिकेटर्स है ना, तो काफी लोगों को पसंद आया। एक्चुअली क्या है गाइस, ये जो इंडिकेटर ना, ये लगता है ऐसे उल्टा, बट जैसे कि आपको पता है मैं जो भी चीज करता हूँ ना अलग ही करता हूँ, तो इसके लिए मैंने भी इसको जो है जैसे लगाता है वैसे नहीं किया। ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू इंडिकेटर नीचे होता था और ये येलो वाला ऊपर होता था, बट मैंने उल्टा किया, मैंने कहा इसको ऊपर अच्छा दिख रहा था तो मैंने इसके लिए इसको ऊपर लगाया। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने अपना टेल चेंज किया था, तो किस किस ने ब्लॉग नहीं देखा जाके देख सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बहुत दिनों से हम लोग शाम को घर से निकले नहीं है, लिटरली बहुत दिनों से, तो इसके लिए आज सोचा थोड़ा शॉर्ट राइड मारते हैं, इवनिंग राइड। तो मैं और शंकर जा रहे हैं अभी फिलहाल डिपोरविल, मे बी लेट्स सी, पूछते हैं कंफर्म करते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चलना है डिपोरविल। चलो फिर, वैसे तो आज का प्लान था हम लोग को सुबह सुबह बेलीगू जाने का, बट सुबह उठना जो है हम जैसे कुंभकर्ण के लिए नामुमकिन है, पता ही नामुमकिन है। क्या होता है कि सुबह उठते ना बॉडी इतना आलसी लग जाता ना कि मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता, तो इसके लिए निकले नहीं बिल्कुल भी। ऑलराइट, सो नाउ वी रीच्ड बगिस्ता छाड़ाली। और जैसे कि मैं हर बार यहाँ पे आके कहता ही हूँ कि ऐसा कभी लाइफ में मेरा हुआ ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ और ट्रैफिक ना मिले। मामा जी जाने दीजिए, लो लो हमें छोड़ दिया है, भागो मिल्का भागो। बल्ले 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 ओके। आजकल क्या है ना गाइस, मैं ना इंट्रो देना ना हर ब्लॉग में भूल ही जाता हूँ, पता नहीं क्यों, जैसे कि इस ब्लॉग में मैं भूल गया हूँ, पर कोई नहीं अभी दे ही दूंगा मैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स, ऑल राइट वेकियंस वाले व्लॉग। और इवनिंग टाइम पे तो बाइक चलाने का मजा कुछ मतलब अलग ही फीलिंग आता है, पता नहीं क्यों क्या धूप पे ऑब्वियसली किसको पसंद है इतने कपड़े वपड़े पहन के बाइक चलाना, मीन्स इज बहुत बड़ा टास्क। तो इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू यू नो गो फॉर अ शॉर्ट सिंपल वाला राइड। हम पहुंच गए गोरचुक और अब यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट लेफ्ट। और यहाँ पे क्या ट्रैफिक है भाई, क्या हुआ इधर ऐसा जाम रहेगा? हाँ ये तो है, जाम वाला गलिया है, जाम वाला यहाँ से आगे तक रहेगा, वहाँ से फिर वही है, वही तो। अबे हम सिंगल लौंडे हैं भूलिया। अब हमें यहाँ से लेना है राइट, ये वाला राइट मीन्स ये वाला आगे वाला राइट, बस अब यहाँ से राइट ही राइट लेना है, बिंदास जाना है। अब यहाँ से जो रोड पूरा मक्खन रोड है, मक्खन मतलब इतना भी मक्खन नहीं है, बस मीन्स ठीक ठाक है और चलने लायक। कहाँ गए हमारे शंकर जी, कहाँ गए बोले थे? So gonna make a little list to keep the world.
लो भाई इवनिंग राइड स्लीपर में, स्लीपर में राइड करने का मजा कुछ और है कि नहीं? यस यस। इस प्लेस पे लोग अक्सर आते हैं लड़कियां लेके, और हम लोग सिंगल लाइफ तो अकेले आए हैं तो शॉर्ट राइड में ले। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग कभी बहुत दिनों से इवनिंग को निकले नहीं, जब से लॉकडाउन में ना तब से इवनिंग को तो बिल्कुल भी नहीं निकले, तो आज फर्स्ट टाइम निकला बहुत दिन बाद। और ये जो डीपरवेल प्लेस है, इट्स लाइक फेमस फॉर डेटिंग प्लेस, तो यहाँ पे बहुत दिनों से मैं आया नहीं था। मैं कम से कम 2 महीने से इधर में नहीं आया हूँ। कहाँ 2 महीना? 2 महीना तो लॉकडाउन ही था ना। हाँ चलो 2 महीना नहीं सर, 3 महीने से नहीं आया। चलो तो तुम कब से नहीं आया? मैं आफ्टर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स, चलो ये आया 5 मंथ्स बाद और मैं आया हूँ 2-3 महीनों बाद। तो अभी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ करने को है नहीं, थोड़े हवा के आनंद लेंगे उसके बाद फिर से बैक टू होम। चलो फिर हेलो। चलो भाई घर जाने का वक्त हो चुका है, और मेरा बाइक का मुझे पता है मेरा बाइक का हालत बहुत ही ख़राब है, पर कोई नहीं अब तो मैं वॉश करूँगा नहीं, जब भी वॉश करता हूँ ना बारिश आ जाता है। तो अभी फिलहाल बस ये जस्ट हम लोग का एक बोर वाला राइड था। घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे ना, तो इसके लिए सोचा चलो एक बार। हाँ जेलेस वाला राइड, हाँ जी सही पकड़े जेलेस वाला राइड। तो क्या है ना गाइस, अभी घर बैठे भी तो कब तक घर बैठे, एक इंसान घर कब तक बैठ सकता है कि नहीं, मेरे बात में पॉइंट है कि नहीं ज़रा कमेंट करके बताइए आप। तो और मैं तो ऊपर से घर पे बिल्कुल भी बैठ ही नहीं सकता, जब से मैंने बाइक लिया ना तब से तो मैं मतलब बिल्कुल भी एक दिन भी घर पे मतलब बैठता ही नहीं था, हमेशा घूमता था, तो मेरा आदत हो चुका था। पता है कि कोरोना वायरस का मातम चल रहा है, हमें घर से नहीं निकलना चाहिए, बट कोई नहीं अपना सेफ्टी आप खुद करके निकल सकते हो। कभी कभी निकलो, हमेशा मत निकलो, जैसे कि हम आज निकले हैं इवनिंग को बहुत दिनों बाद, अब तो निकलना होते रहेगा, बस अपना सेफ्टी खुद करना है और चलते पड़ना है। अच्छा टाइम पास हुआ 1 घंटा यहाँ पे, एंड राइट नाउ इट्स 5:26। लो भाई अब यहाँ से निकलते सीधा, अब एक अच्छा स्पॉट पे रुकेंगे, चाय मारेंगे एंड देन घर के लिए रवाना होंगे। बस लिटरली इतने दिन बाद आके यहाँ पे जो मज़ा आया ना, मज़ा तो काफ़ी आया। और वैसे भी जब मैं इतने दिनों से जितने भी जो ब्लॉग बना रहा था ना, सिक्स वेल गणेशगढ़ी खाना पड़ा के अंदर ही ब्लॉग्स बना रहा था, उससे बाहर तो मैं कहीं जा ही नहीं रहा था। तो आज आया हूँ और मौसम भी कैसा हो रखा है, लगता है आज बारिश देने वाला है, वो भी तगड़ा वाला है। ऑलमोस्ट शाम को तो ऑलमोस्ट दे रही है बारिश आजकल, पर क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ नेचर कॉल। और बहुत दिनों से ना मैंने अपना हॉर्न वाला इफेक्ट किया ही नहीं है, तो चलो यहाँ से लेके गोरचुक तक हॉर्न वाला इफेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? लो भाई हॉर्न ट्रांजिशन करते करते हम गोरचुक भी पहुँच गए। अब यहाँ से क्या है, सीधा निकलना है हाईवे लेके, क्या बोलते, थोड़ा पहले क्या बाइक को थोड़ा भगाते हैं। चलो अगर पे बाइक नहीं भगा सकते नहीं तो ये मुझे पूरा उड़ा देगा फिर। तो अभी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ करने को है नहीं, अगर आपके गर्लफ्रेंड को लेके आओगे तो हो जाएगा, अगर बहुत कुछ करने को होगा, अगर नहीं है तो अकेले इधर में बैठना है।